अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिरा नायब, डेंटल सर्जन। मैंने मुल्तान से अपना BDS किया है, उसके बाद मैंने CMH लाहौर में हाउस जॉब की है, फिर मैंने अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में डेमोशिप किया पेरीडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसके बाद मैंने एक साल गवर्नमेंट जॉब की है एंड नाउ आई एम डूइंग माई ओन डेंटल प्रैक्टिस इन लाहौर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ वो है सेंसिटिविटी एंड ब्लीडिंग गम्स। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हम ब्रश करते हैं, ब्रशिंग करते हुए ब्लीडिंग गम्स होते हैं या रात को सोते हुए उनके मुँह में ब्लड भर जाता है, ठीक है, तो उनको पता नहीं होता कि किस वजह से है। तो आज ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी ओवरऑल और हेल्थ पे फोकस करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गम्स पे भी उसी तरह ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ अपने गम्स पे भी फोकस करें। इसकी कुछ कॉजेज हैं। अब क्या कॉजेज हैं? सबसे पहली और जो नॉर्मली कॉज है वो ये है कि जो लोग बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं और हार्ड ब्रिस्टल्स टूथब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रश कभी भी ज़ोर से नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को जिंजिवाइटिस है यानी कि मसूड़े फूल गए हैं, सूज गए हैं, ठीक है, और वो उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपकी बोन ने और आपके गम्स ने, हड्डी और मसूड़ों ने दांत को ग्रिप दी होती है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम नीचे चली जाती है, ठीक है। तो नीचे जाने से क्या होता है कि कुछ अरसे बाद आपके वो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जिंजिवाइटिस हो जाता है। उसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, HIV यानी कि शुगर वगैरह, उसमें भी ये होता है कि आपको अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसमें भी आपके अगर गम्स ख़राब हो जाएँ, मसूड़े ख़राब हो जाएँ, तो फिर उनको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीने से आपके जो मसूड़े हैं उनकी हीलिंग अच्छी नहीं होती, तो हीलिंग अच्छी ना होने की वजह से जब आपके मसूड़े ख़राब होते हैं तो उनमें से भी ब्लीडिंग गम्स होती है। उसके अलावा कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ, जिंजिवाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक, सेंसिटिविटी। पेशेंट आता है वो कहते हैं कि हमें ठंडा गर्म लगता है दांतों में। दूसरा ये कि ब्लीडिंग गम्स, खून निकलता है मसूड़ों से, उनके पॉकेट्स बन जाती हैं यानी कि हड्डी और मसूड़े नीचे की तरफ चले जाते हैं और दांत में स्पेस बन जाती है और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो कॉमन इशू है वो ये कि बैड ब्रेथ का, उनको कहते हैं कि हमारे मुंह में से स्मेल आ रही है, ठीक है, तो और ये कि दांत लूज़ हो जाएंगे तो वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी इसकी कॉजेज हैं जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस होता है। अब इसकी प्रिवेंशन मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि क्या चीज़ें हैं जिनको करके आप ये अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, ठीक है, ओरल हाइजीन आपकी मेंटेन होगी तो आपको जिंजिवाइटिस नहीं होगा। उसके अलावा स्टॉप स्मोकिंग, सिगरेट पीना अवॉइड करें, कम कर दें, उससे आपके गम्स की हीलिंग अच्छी होगी। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल कम करें, जितना ज़्यादा इंसान टेंशन में होता है तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से भी जिंजिवाइटिस होता है। उसके अलावा विटामिन सी की इनटेक ज़्यादा करें, विटामिन के की इनटेक ज़्यादा करें, अगर किसी को जिंजिवाइटिस से मसूड़े सूजे हुए हैं तो ठंडे से उसको टिकोर दें, ठीक है, वेल बैलेंस्ड डाइट, अपनी खुराक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप अच्छी रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ये सारी चीज़ें करने से आपके गम्स की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी और मेंटेन रहेगी।